सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। मैं हूं नीता और आप देख रहे हैं डिफेंस स्टडी चैनल। तो गाइस, आज का हमारा जो वीडियो है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप लोग फ्री में तैयारी कैसे कर सकते हैं, वो भी इसमें आपको 10,000 से 50,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे SSC, नेवी, एयरफोर्स, NDA, CDS, जैसे बैंक की होगी, इन सारी कोचिंगों की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अंतर्गत इस वीडियो को मैं बताऊंगा कि जो कंबाइंड काउंसलिंग बोर्ड की ओर से जो नई योजना आई है उदय योजना, वो छात्रवृत्ति के अंतर्गत आपको 10,000 से 50,000 रुपये तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो गाइस, उसी के बाद आपका वीडियो है, इसमें आपको रांची, पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के जो बहुत बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें आपको एडमिशन मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, हमारा यही चैनल है, यहाँ पर आपको लाल बटन दिखेगा, इसको सब्सक्राइब करके के ब्लैक कर देना है और इसको ऑन कर देना है बेल आइकन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, ये आपकी जो फ्री में आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्कॉलरशिप देती है वो आपका 11th, 12th या JEE मेंस या एडवांस या SSC, बैंक, PO, रेलवे, जनरल कॉम्पिटिटिव, जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सारी के लिए आपको फ्री में आपको 10,000 से 50,000 रुपये तक के मिलेगी। ये कंबाइंड काउंसलिंग बोर्ड की ओर से जो आई है विद्यार्थी कल्याण शिक्षा समिति यानी VKSS, इसके अंतर्गत आपको फ्री में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। तो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस, इसके बारे में बता देता हूँ कि जो राज्य में कोचिंग स्कॉलरशिप योजना VKSS है, ये आपके CCB कल्याण विभाग यानी कंबाइंड काउंसलिंग बोर्ड की एक जो पहल है। इसमें जो योजना है इसमें विद्यार्थी अपने 10th या 12th या ग्रेजुएशन के बाद में किसी भी एग्जाम या कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसके लिए आपको बड़ी से जो मतलब बहुत कोचिंग बड़ी बड़ी कोचिंग हैं उनमें आपको एडमिशन नहीं मिल पाता किसी पैसों की वजह से। तो इसके लिए आपको जो सुविधा है केवल रांची, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जो VKSS से मान्यता प्राप्त हैं उन्हीं को ये सेंटर्स मिलेगा। ये यानी कि आप ऑल इंडिया से कहीं के भी स्टूडेंट्स हों, किसी भी राज्य के स्टूडेंट्स हों, आप अप्लाई इसको कर सकते हैं और इसको आप स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। तो गाइस, की मैं सारी बातें बता चुका हूँ कि आप इसमें कौन कौन से राज्य में मिलेगा। आपको रांची, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर इन चार जगह में आपको केवल फ्री कोचिंग के सेंटर्स अब मिलेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो मैं अप्लाई करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँ, इसके पहले डिटेल्स में बता देता हूँ। जो VKSS स्कॉलरशिप है इसमें आपको कोई भी टेस्ट या परीक्षा नहीं देनी होगी। यह स्कॉलरशिप आपको 10,000 से 50,000 रुपये तक विद्यार्थियों के प्रति कोर्स में दिया जाएगा। यानी अगर आप बैंक करते हैं, SSC करते हैं तो आपको बैंक के लिए अलग से दिया जाएगा 50,000 रुपये, 10,000 से 50,000 रुपये बीच में, और SSC के लिए अलग। इसमें आपको सीट जो होती है वो बिल्कुल लिमिटेड सीटें होती हैं, तो आपको जल्दी से इसको एप्लीकेशन अप्लाई कर देना है क्योंकि ये चालू हो चुका है, अब जल्दी इसको कर देना है आपको। इसके बाद आता है VKSS ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपको काउंसिल लेटर जो मिलेगा उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसका जो VKSS केंद्र है वहाँ पर जाकर अपनी काउंसलिंग करवा लेनी है। काउंसलिंग लेटर आने के बाद अब उसके पता उसी डेट पर उसी पता में आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, काउंसलिंग डेट करना पड़ेगा। यदि किसी कारण से आप डेट नहीं आ सकते हैं तो आप VKSS के हेल्पलाइन नंबर जो मिलेगा ये है 74 82 98 32 34 पर कॉल करके आप डेट ले सकते हैं। इसमें आपको जो जनरल कंपटीशन जो IBT की बैचेस होते हैं हर महीने शुरू किए जाते हैं, मतलब इसमें आप हर महीने आपका बैच चालू किया जाता है। जैसे आपको इसमें आप 11th 12th में PCM में PCB या जी मेंस एडवांस मेंस एडवांस दोनों कर सकते हैं। और जो न्यू बैच होते हैं वो आपको 15 अप्रैल 2000 से शुरू हो जाएगा 15 अप्रैल से, तो अभी से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी से अप्लाई कर देंगे तो आप इसमें सीटें जो लिमिटेड होती हैं सीटें तो उन सीटों को आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपको सीटें आसानी से मिल जाएंगी। या इसमें आपको कोई भी शुल्क यानी कोई भी पैसा नहीं लगता इसको अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप लोगों को इसको जल्दी से अप्लाई कर देना है। इसके बाद आप इसका चयन प्रक्रिया है वो आपका जो है आपकी कोचिंग होगी वो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में होगा। इन इंस्टीट्यूट को चयन करने के बाद आपने जैसे आपको चार जो डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इसमें किसी में एक में आपको कंपटीशन एग्जाम लेना होगा। और इन इंस्टीट्यूट में जो चयन होगा उसकी पिछले कंपटीटिव एग्जाम अच्छे रिजल्ट को देखते हुए किया जाएगा। अगर आपने पहले कोई कंपटीटिव एग्जाम में एग्जाम दे रखा है
तो इसके नंबरों के अनुसार आपको इसमें चैंप मिलेगा। इसके बाद जो कोचिंग सेंटर होगी उसकी जो वेबसाइट है मैं वो बता देता हूँ, है www.ibtindia.com पर विजिट कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद आपको वहाँ पर जो अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको जो लेटर मिलेगा वो लेटर को आपको लेकर जाना होगा, वहाँ पर काउंसलिंग करना होगा और वहाँ से आपको कोचिंग के लिए आपको वहाँ पर से एक रसीद दे देंगे, तो वो लेकर आपको नई कोचिंग में जाना होगा और वहाँ पर आपके एडमिशन कराना होगा। एडमिशन कराने के बाद आपको सरकार की ओर से 10,000 से 50,000 रुपये के बीच में आपको इसकी सहायता आपको दी जाएगी कि कोचिंग में। अब आपको जो मैं नोटिस बोर्ड में पढ़ा देता हूँ, नोटिस बोर्ड में क्या लिखा है, इसमें लिखा है BKSS कई एग्जाम की तैयारी के लिए स्कॉलरशिप देती है, विद्यार्थी स्वयं अपनी इच्छा अनुसार कोर्स चुन सकते हैं और BKSS स्कॉलरशिप पाने के लिए किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा शुल्क की देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के तुरंत बाद ही काउंसलिंग लेटर आपको अवश्य डाउनलोड कर लें और काउंसलिंग की तिथि में अपना काउंसलिंग करा लें। काउंसलिंग के बाद विद्यार्थी चाहे तो स्कॉलरशिप अमाउंट का चेक BKSS के कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं या फिर आपको कोचिंग में वो डायरेक्ट आपको BKSS वाले आपको दे सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसकी वेबसाइट में जा सकते हैं या फिर मैंने आपको नंबर ही पहले ही बता दिया है, ये आपका है 74-92-38-34 में आपको कॉल करके सारी जानकारी आपको ले लेनी है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो कि आप लोग कैसे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए फ्री में स्कॉलरशिप ले सकते हैं, वो भी बिना एग्जाम के। आप इसको 10,000 से 50,000 रुपये तक की फीस आपको मिल जाएगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद। और इसको अप्लाई करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं गाइस।